स्क्रीन पे आपको जो नज़र आ रहा है उसे देख के मेरी एक माँ बहुत खुश होगी। उसकी हमेशा शिकायत रहती है कि बेटा ना खुद तीरथ करता है और ना माँ को कराता है। माँ, मैंने उज्जैन में महाकाल के दर्शन कर लिए। अब मैं अपनी दूसरी माँ की बात करना चाहता हूँ, जो भारत माँ है, हमारा देश है, और जिसकी सेवा कई लोग बड़े अच्छे अच्छे ढंग से कर रहे हैं। अभी कुछ रोज़ पहले चुनाव के सिलसिले में हम मध्य प्रदेश के इंदौर में थे, देश का सबसे साफ शहर। और जब भी सफाई की बात आ रही थी तो एक आदमी का बार बार जिक्र आ रहा था कि साहब यहाँ पे एक कमिश्नर साहब आए थे नगर निगम के, मनीष सिंह नाम था, और ये सब उन्हीं का कमाल है। तो हमने पूछा वो कहाँ हैं कमिश्नर साहब, तो पता चला कि वो कमिश्नर साहब अब उज्जैन के कलेक्टर हैं। थैंक यू सो मच मनीष जी हमसे बात करने के लिए। कैसे हुआ ये चमत्कार, क्योंकि इंदौर के लोगों ने बताया कि पहले तो बहुत गंदा रहता था, फिर 3 साल में कैसे कायाकल्प हो गया कि देश का सबसे साफ शहर। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, हम इलेक्शन कवरेज के लिए आए भोपाल से, रात में 1:30-2 बजे दाखिल हुए, रात के 2 बजे 1.5 दर्जन कामगार औरतें सड़क साफ कर रही हैं। ये इतनी ताकतवर तस्वीर है कि जीवन भर नहीं भूल सकते आप। ये किसी भी शहर के नागरिक हमेशा किसी भी सर्विसेज के लिए सहयोग देने के लिए तैयार रहते हैं। गैप इसमें रहता है कि हम जो सर्विसेज दे रहे हैं आम जनता को, उसकी लेवल ऑफ क्वालिटी क्या है, उसकी क्वालिटी लेवल क्या है उसकी। आज सफाई को लेकर के अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं पब्लिक से कि वो स्वच्छता में ध्यान दे, तो हमारी उससे पहले बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है लोकल बॉडी की, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की, कि हम जो स्वच्छता को लेकर, डोर टू डोर कलेक्शन को लेकर के, या सेग्रीगेशन को लेकर के, या जो वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर जो हम लोग जो काम कर रहे हैं वो किस परफेक्शन पर कर रहे हैं। इंदौर नगर निगम में हम लोगों ने सबसे पहले जो हम लोगों की जो गैप्स थे, हम लोगों की जो कमियाँ थी वैकेंसी को लेकर, हमारी टीम के मोटिवेशन को लेकर, सफाई कर्मचारियों के एक जुनून को लेकर के, वेस्ट मैनेजमेंट जो करना है उसमें जो गैप्स थे, ट्रेंचिंग ग्राउंड में जो गैप्स थे, इन सब को लेकर हम लोगों ने 1.5 साल काम किया। और उसके बाद फिर जब सब फैसिलिटीज़ मिल गई, फिर जनता में अवेयरनेस शुरू की और जनता ने बहुत तेज़ी से सहयोग करना शुरू किया। आपने जो बताया वो सुनने में बड़ा सरल लग रहा है। हम सब बुद्धू बच्चे हैं, ललन टॉप के जितने व्यूअर हैं सब बुद्धू से बुद्ध बनना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप उदाहरणों के जरिए थोड़ा विस्तार से बताएं रिसोर्सेज के लेवल पे क्या कमी थी, क्योंकि बाकी नगर निगम भी हैं वहां इतनी सफाई नहीं है, मशीनों के लेवल पे कहीं सफाई कर्मचारी हड़ताल चले जाते हैं, कहीं लोग कोऑपरेट नहीं करते हैं, तो थोड़ा उदाहरण दे देके बताएं किस तरह की दिक्कतें आई, किस तरह से आपने रिसोर्सेज जुटाए। देखिए वहाँ 7,000 सफाई कर्मचारी थे जी, और सबसे महत्वपूर्ण सफाई कर्मचारियों का मोटिवेशन रहता है, सख्ती रहती है उन पे जी, एक इनडिसिप्लिन लॉट माना जाता है वो जी। उसमें हमने और मेयर ने, माननीय लक्ष्मण सिंह गौड़ मेयर हैं वहाँ के, और उनके द्वारा बहुत इसमें ध्यान दिया गया, बड़ा सपोर्ट किया गया हम सभी लोगों को। हम लोगों ने मिल के जो यूनियन है इनके, उनकी सबसे पहले मीटिंग ली हम लोगों ने सफाई कर्मचारियों की, और उनको कॉन्फिडेंस में लिया। उनका ये कहना था सब हमें कोई दिक्कत नहीं है, और हम पे जो एट्रीब्यूट किया जाता है कि हमारे लोग काम नहीं कर रहे, गलत है कहना ये। इसमें बहुत बड़े और भी उन्होंने कारण बताया जो सफाई कर्मचारी यूनियनों को एट्रीब्यूट नहीं कर सकते थे अपन, कि सब ये सब कारण हैं जिससे कि सफाई कर्मचारी गायब हो रहे हैं। किस तरह के कारण? आ नहीं रहे हैं, उनको घर बैठ के तनख्वाह मिल रही है, आ रहे हैं तो 1 घंटे काम करके गायब हो रहे हैं, या आ रहे हैं तो 3 घंटे 2 घंटे काम करके गायब हो रहे हैं। जिस प्रकार का काम कर रहे हैं थोड़ी बहुत तनख्वाह दरोगा उनको दे रहा है, बाकी वो दरोगा के पास जा रही है या किसी और लोकल किसी व्यक्ति के पास जा रही है। उसमें उन्होंने बताया, फिर हम लोगों ने सख्ती करनी शुरू की, इनकी ट्रेनिंग करनी शुरू की, इनसे मुलाकातें की सफाई कर्मचारियों से अलग अलग जोन वाइज, और सख्ती भी की, उनको ड्रेसेस प्रॉपर थी, उनकी समस्या रहती ड्रेस नहीं है हमारे पास में, ठंड में स्वेटर नहीं है, बरसात में रेनकोट नहीं है, उन सब चीज़ें कमिटमेंट दिया, करना शुरू किया, फील्ड में राउंड लेना शुरू किया। हम लोगों ने 1,000 लोगों को नौकरी से भी निकाला पूरे 3 साल में, कुछ 100-200 लोगों को जो गलत निकल गए थे जिसमें यूनियन के लोग आए, सुनी भी उनकी हम लोगों ने, यूनियन को कॉन्फिडेंस में रखा हम लोगों ने, सही बातें यूनियन की सब मानी, जो गलत चीज़ नहीं कर सकते थे हम लोग या कर्मचारी जो गलत कर रहे थे उसमें यूनियन के लोगों से बैठ के निरंतर बुला के हम लोगों ने समझाया उनको, माने वो लोग, और चूंकि उनके जेन्युइन चीज़ें सभी हो रही थी तो समहाउ एक हम लोगों के बीच में एक कॉन्फिडेंस का मैट्रिक्स डेवलप हुआ। एक तो ये बहुत ज़रूरी था वहाँ पर, क्योंकि सफाई कर्मचारियों का काम उन्हीं को करना है। दूसरा, जो मशीनरी में गैप्स रहते हैं हर सिटी में, अगर आप डोर टू डोर कलेक्शन की बात कर रहे हैं फिर भी डस्टबिन रखे हुए हैं, तो अगर डस्टबिन में कचरा आ रहा है, म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट आ रहा है, मतलब डोर टू डोर कलेक्शन नहीं हो रहा है आपका, उसको हम लोगों ने स्ट्रेस किया। मेयर का भी कहना ये था कि जब डोर टू डोर कलेक्शन शुरू कर रहे हैं तो डोर टू डोर कलेक्शन जब शुरू हो जाएगा हर घर में, हर घर से, हर दुकान से, हर कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट से, होटल रेस्टोरेंट से, हमारी गाड़ियों में कचरा आएगा, तो डस्टबिन की आवश्यकता नहीं है शहर में। वो एक ऐसा कैश पॉइंट था जो मेयर के सजेशन में हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया। जब मैंने बोला अपनी टीम से तो हमारी टीम विश्वास नहीं कर रही थी कि साहब आप डस्टबिन हटा देंगे पूरे शहर से तो संभव ही नहीं, कचरा पूरे शहर में लोग फेंकेंगे। तो उसको हमने समझाया टीम को, एक वार्ड से शुरू किया पहले, उसमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हुई हमारे लोगों की,
कि जहाँ से भी डस्टबिन हटाते थे हम लोग वहाँ पे दो दो तीन तीन बार हम लोग डोर टू डोर कलेक्शन व्हीकल्स भेजी हैं हम लोगों ने। गाड़ियाँ जो गाना बजाती हैं वो घूमती हैं वो जी जी। फिर उनका कितने घरों के बीच में एक गाड़ी रिक्वायर्ड है वो आकलन किया हम लोगों ने, कितना कचरा जनरेट हो रहा है वॉल्यूम में वो जनरेट किया, एक बजे तक कैसे हम एक गाड़ी को तीन या चार राउंड करा के हम उस पूरा एरिया कवर कर सकते हैं, उस पर वर्किंग की हम लोगों ने, काफ़ी माइक्रो लेवल वर्किंग की हम लोगों ने। और ये इंश्योर किया कि अगर हम लोग डस्टबिन हटा रहे हैं या डोर टू डोर कलेक्शन की बात कर रहे हैं तो जो आम जनता है उसके डोर स्टेप पे गाड़ी टाइम पे पहुँचे, या हमारा जो हेल्पर है उसमें वो कॉपरेट करे, उनको व्यवहार अच्छा रखें। एक इंदौर में बहुत बड़ा हम लोगों ने जो काम किया उसका फ़ायदा दिखा हम लोगों को कि एनजीओ हर वार्ड में हर गाड़ी के साथ एनजीओ लड़के हम लोगों ने लगाए, एनजीओ के मेल फीमेल जो भी उनके वॉलंटियर्स थे उनको लगाया, पेड बेसिस पे था पूरा ये। उन लोगों ने जाके बड़ा अच्छा सर्वे किया घर में, हर घर में कनेक्ट किया। जो सफाई कर्मचारी रहता है उसका आम जनता से कनेक्ट उतना स्ट्रांग नहीं होता है, उसके बात करने का व्यवहार एक परंपरागत तरीके से उसको लोग एक्सेप्ट नहीं करते बहुत जल्दी, वो भी उनको घर वालों को एक्सेप्ट नहीं करता है वो। तो जो हमारा एक एनजीओ लड़का है लड़की है उनकी वजह से एक एक्सेप्टेंस हुआ, बीच में उसने जेल का काम किया हमारी नगर निगम की टीम के और जो रहवासी थे उनके बीच में, और जो भी कहीं कचरा बाहर निकलता भी था डस्टबिन के लोकेशंस पे उनको हम लोगों ने ये एनालिसिस पहले किया कि ये कचरा आ क्यों रहा है यहाँ पर। कोई भी घर का रहवासी कचरा फेंकने बाहर तभी आएगा जब उसको डोर स्टेप पे जो हम लोग सर्विसेज दे रहे हैं उसमें कोई कमी हो रही होगी। किसी के डोर स्टेप पे अगर सर्विसेज आ रही है और वो फिर कचरा फेंकने बाहर नहीं जाएगा 100 मीटर दूर या 50 मीटर दूर, तो उसकी जितनी एनालिसिस की हम लोगों ने सब जगह ये पाया हम लोगों ने, हम लोग के पार्ट गैप हो रहा था कि वहाँ का ड्राइवर हेल्पर जो गाड़ी लेके मूव कर रहा है उसने उस दिन गाड़ी नहीं ले गया उस गली में, या दरोगा ने ध्यान नहीं दिया, सुपरविजन में कमी दिखी दरोगा के कहीं पे, उनको सबको इम्प्रूव कर, पब्लिक को हम लोगों ने कुछ नहीं बोला। कहीं अगर ऐसा लगा भी कि वॉलेशन हो रहे हैं पब्लिक की तरफ से तो हम लोगों ने पहले अपनी वर्किंग देखी कि हमारी सर्विसेज में कहाँ कमी आ रही है, तो 99.9% जगह में हम लोगों की सर्विसेज में कमी थी, बहुत कम संख्या, मेरे ख्याल से 2-4 हज़ार लोग ही ऐसे मिले होंगे, 1,000 लोग या 2,000 लोग जिन्होंने सब सुविधा देने के बाद भी वॉलेशन करते हैं उनको पेनल्टी पेनलाइज किया हम लोगों ने, हैवी पेनल्टी करी, स्पॉट फाइन बहुत हैवी लगाया। कितना? 1 लाख तक के पावर थे हम लोगों को, तो जो बायोमेडिकल वेस्ट अस्पताल वाले या नर्सिंग होम वाले या डॉक्टर्स के यहाँ से कहीं फेंका दिया जाता था हम लोगों को, और हम लोग पता लगा लेते थे कि बायोमेडिकल वेस्ट किस अस्पताल का है, उसमें 1 लाख रुपये करते थे लगाया कहीं। हाँ, 1 लाख रुपये लगाया है। और जो पॉलीथीन हम लोगों ने बैन किया था, पॉलीथीन अगर कहीं दुकानों में मिल जाए डीलर्स के यहाँ पर उससे ही 50,000 से 1 लाख रुपये तक के फाइन किया कि पॉलीथीन स्ट्रिक्टली बैन कर दिया था हम लोगों ने। इंदौर में पॉलीथीन नहीं मिलते हैं? मैं अभी तो मैं 6 महीने से नहीं हूँ, मेरे समय में तो पॉलीथीन ऑलमोस्ट आपको नहीं ना के बराबर था। अच्छा, पॉलीथीन बैन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्टेट गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे यहाँ कैरी बैग पर पूरा प्रतिबंध लगा रखा है मध्य प्रदेश में जी, तो पॉलीथीन किसी भी नेचर का कैरी बैग में नहीं मिलना बिकना चाहिए। अब चूंकि वो ऐसी आइटम है कि बड़ा सस्ता रहता है तो उसके जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, सारी फैक्ट्रीज हम लोगों ने बंद करा दी थी इंदौर में, जो इंदौर में फैक्ट्रीज चल रही थी, किंतु उनके मैन्युफैक्चरर बाहर के स्टेट्स में भी हैं, वहाँ चोरी छुपे लाते हैं, तो ट्रांसपोर्टर से भी सख्ती की, डीलर्स पे सख्ती की, और फील्ड में कंट्रोलिंग करी दरोगा और हमारे जो जोन लेवल इंचार्ज उनके माध्यम से। तो मेनली दो चीज़ों पर वर्किंग हम लोगों की थी, एक तो हमारे रिसोर्सेज इंप्रूव करें, उसमें गाड़ियाँ बढ़ाई हम लोगों ने। कैसे? क्योंकि कई नगर निगम में मनीष जी फंड का रोना होता है, आप दिल्ली देखिए, दूसरे शहर साहब पैसे नहीं है, करना तो बहुत चाहते हैं, कर्मचारियों की तनख्वाह में ही चला जाता है ऐसे वैसे। और मैं देख के आया इंदौर में वो जो मशीनें हैं वो बड़ी शानदार, मुझे उनके बहुत ज़्यादा तकनीकी ब्यौरे नहीं पता, वो आप बताएंगे, पर क्या फ़ंड रिसोर्सेज का कुछ चक्कर नहीं आया? देखिए, फ़ंड की कमी तो रहती है, हम लोगों ने लगभग 125 करोड़ रुपए खर्च किए होंगे 3 साल में, 2015 मई से शुरू किया था हम लोगों ने। सिर्फ सफाई के इंफ्रास्ट्रक्चर पे? पूरा जी, इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, तो मई 2015 से हम लोगों ने इसको चालू किया था और 2018 मई में मैं वहाँ से रिलीव हुआ, तो इसमें 3 साल में 125 करोड़ खर्च हुए होंगे। इसमें जो खर्चा हुआ है मेनली वो व्हीकल्स में हुआ है, डोर टू डोर कलेक्शन व्हीकल्स हम लोगों ने खरीदी, लगभग 500 व्हीकल्स खरीदी थी हम लोगों ने, एक व्हीकल लगभग 6 लाख की आती है। ट्रांसफर स्टेशन हम लोगों ने स्टेट ऑफ आर्ट बनाए हैं, ट्रांसफर स्टेशन बहुत की रहता है उसमें, अच्छा लगभग 70-80 करोड़ के ट्रांसफर स्टेशन 10 बने हैं हम लोगों के। तो जो जहाँ पे वो कलेक्ट होता है, जहाँ कलेक्ट होता है, कि अगर आप डोर टू डोर कलेक्शन के व्हीकल को बहुत दूर भेजेंगे कचरा डंप करने के लिए तो टाइम वेस्ट होगा और डोर टू डोर कलेक्शन इफेक्ट होगा उसमें। सिटी में हम लोगों ने 10 लोकेशंस पर ट्रांसफर स्टेशन बनाए थे, तो डोर टू डोर कलेक्शन के व्हीकल्स हाउस होल्ड कचरा लेके एट सोर्स से सेग्रीगेटेड फॉर्मेट में और ट्रांसफर स्टेशन में जाती है, और वहाँ से बड़े हाईवा के बड़े ट्यूब्स रहती हैं उसको वो बैकहो, उनका एक हुक लोडर रहता है, तो उसमें ले करके अपने अंदर क्लोज फॉर्मेट में और ट्रेंचिंग ग्राउंड लेके जाते थे, और वहाँ जो गीला कचरा था जिसको बायोडिग्रेडेबल बोलेंगे वो ग्रीन कंटेनर्स में जाता था, और जो सूखा था ड्राई वेस्ट जो था जिसमें प्लास्टिक वन ड्राई चीज़ें रहती हैं वो ब्लू कंटेनर में जाता है वहाँ से। उसमें 70-80 करोड़ खर्च हुए हैं,
और इसके साथ साथ हम लोगों ने बैकलेंस काफ़ी इम्प्रूव की। केवल सफाई का मतलब म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ही नहीं है जी, इसके साथ जब बैकलेंस रहती हैं घरों के बीच में हर सिटी में है, वो लगभग बीमारी गढ़ बन जाती हैं, क्योंकि बहुत पुरानी कॉलोनीज हो गई हैं, उसे पीछे सीवर लाइन टूट गई हैं, चैम्बर्स टूट गए हैं, तो वहाँ सीवर ही बह रहा है, लोग कचरा फेंक रहे हैं पीछे की तरफ, सुअर आ रहे हैं वहाँ पर। ऐसी 10,000 बैकलेंस थी हम लोगों की, तो मेरे रहते रहते लगभग 8,000 में काम हो गया था। देखिए ये बड़ा काम, फुटपाथ हम लोगों ने पूरे नए कराए हैं, अभी भी काम चल ही रहे होंगे वहाँ पर। फुटपाथ में इंक्रोचमेंट्स बहुत थे, उसमें डस्ट कैप्चरिंग बहुत हो रही थी, क्योंकि डस्ट फ्री भी किया सिटी हम लोगों ने, डस्ट बहुत थी इंदौर में। उसके लिए नाइट स्वीपिंग मशीन्स हम लोगों ने की, जो आपने मशीनों का जिक्र किया, इसमें हम लोग थोड़ा फॉर्चुनेट थे कि हमको इंटरनेशनल वेस्ट मैनेजमेंट मिला, कुवैत की कंपनी आई, उसकी जो मशीनें थी वो एल्जिन कंपनी की मशीनें हैं, यूएसए की, उनका वैक्यूम सक्शन बहुत पावरफुल है इंडियन रोड्स के हिसाब से, वो इंडियन जो वैक्यूम रिक्वायर्ड है यहाँ के डस्ट को कैप्चर करने के लिए, वो एल्जिन मशीनों में मिला। क्योंकि वैक्यूम सक्शन मशीन तो कई शहरों में चल रही हैं पर उनकी इफेक्टिवनेस नहीं है उतनी, यहाँ की मशीनें जो आई इंदौर में उसमें एल्जिन कंपनी ने रियल सेंस में डस्ट को कैप्चर किया पूरा। फुटपाथ हम लोगों ने ठीक कराया ताकि डस्ट वहाँ से ना निकले। सेंट्रल डिवाइडर्स बहुत ख़राब हालत में थे, उसमें रोड क्रॉसिंग हो रही थी, उससे भी मिट्टी आ रही थी रोडों में। सारे सेंट्रल डिवाइडर्स को हम लोगों ने 2 से 2.5 फीट की हाइट में के अधिकांश हो गए हैं, बाकी में काम चल रहा होगा अभी। तो ग्रीनरी में हम लोगों ने काफ़ी ध्यान दिया, जो किनारे आपके ग्रीन बेल्ट्स में फेंसिंग टूट रही है आपकी और इंक्रोचमेंट्स हो रहे हैं, गाड़ियाँ भी उससे से क्रॉस हो रही हैं, उसको सब कैप्चर किया, इंक्रोचमेंट रिमूवल किए। फिर ठेले का बहुत बड़ा माफिया था इंदौर में, तो लगभग ठेला माफिया ये एक एक आदमी के पास 200-300 ठेले हैं, हाथ ठेले हैं 300 ठेले, हाँ, और वो मंदसौर से या राजस्थान से, गुजरात से, महाराष्ट्र से लोग आ रहे हैं और वो किराए पर ठेला दे रहा है उनको साप्ताहिक दर पे या जो भी मासिक दर रहती थी उनकी, और वो पूरे शहर में चल रहे हैं। तो बेसिकली ठेला में हम लोगों ने जो लोकल इंदौर के लोग थे उन्हीं को प्रायोरिटाइज़ किया, और जितना इस तरह का ठेला माफिया ठेले चल रहे थे इनको जब्त किया हम लोगों ने। इसमें लगभग 10,000 ठेले हम लोगों ने जब्त किए होंगे, तो वो भी ठेला कम हुआ शहर से। गुमटियाँ हटाई होंगी, बहुत सारी गुमटियाँ ऐसी थी जो दादा पहलवानों की थी, एक एक आज व्यक्ति के पास 50-50 गुमटियाँ हैं, लाइन से लगी हुई हैं, किराए पर उठा रखा है, उससे इनकम हो रही है उसकी। किसी असामाजिक तत्व के अगर इतनी स्वामित्व गुमटियाँ होंगी और किराए पर उठा के उसको पैसा कमाएगा, तो वो पैसा भी गलत चीज़ों में जाएगा। वो उनको हटाया हम लोगों ने रोड साइड में जो थी, तो रोड साइड में जो भी गुमटियाँ थी, ठेले थे, फुटपाथ पर इंक्रोचमेंट्स थे, सेंट्रल डिवाइडर्स के इशूज़ थे, ग्रीन बेल्ट्स में जो कब्जे थे या उसको फेंसिंग नहीं थी, ग्रीनरी नहीं थी, इन सब में वर्क किया साथ साथ हम लोगों ने। फंड्स लगे इन सब चीज़ों के लिए, फंड्स का मेन था कि हम लोगों ने रेवेन्यू इनकम में बहुत ध्यान दिया। गवर्नमेंट में से फिक्स्ड एक ग्रांट मिलती है, ऑक्ट्राई वगैरह ग्रांट आती है, जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो हमेशा बढ़ते ही हैं। वो जो प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन था उसमें बहुत ध्यान दिया, जो हमारी टीम थी उसको मोटिवेट किया, वैकेंसी नहीं थी उनके पास में, सबको गाड़ियाँ दी मोबिलिटी के लिए, एक्स्ट्रा टीम उसमें लगाई, एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट हम लोगों ने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया, तो गवर्नमेंट से हमको 70-80 एक्स्ट्रा ऑफिसर्स मिले उसमें, नई भर्तियां की गवर्नमेंट ने उसमें, और सख्ती की बेसिकली उसमें, रिकॉर्ड कीपिंग प्रॉपर कराई, और जहां टैक्स बचा था बड़े लोगों को पकड़ा उसमें, जो पावरफुल लोग थे उनको पकड़ा, जिनके यहाँ से जनरली टैक्स वसूल करना बड़ा टफ था उनको पकड़ा, पहले मीडिया में दिया उसका, तो लोगों में माइंडसेट बना कि देखो बड़े लोग भी पकड़ में आ रहे हैं, उनके इतने करोड़ का प्रॉपर्टी टैक्स अभी तक वसूल नहीं हो रहा था, अब हो गया है, तो छोटे लोग ही मोटिवेट हुए उससे। उनकी शिकायत यही होती है कि साहब गरीब आदमी पे पहले आप शिकंजा कसते हो, पैसे वालों को ताकतवर को छोड़ देते। सबसे पहले बड़े लोगों को पकड़ा हम लोगों ने, उससे पूरे शहर में माहौल बना और लोगों ने कॉपरेट करना शुरू किया। तो हमारी टीम पर एक समय ऐसा आ गया था कि हमारी टीम जहाँ भी जाती थी वहाँ पूरा कॉपरेशन रहता था, इमीडिएट चेक मिलते थे उसको। तो इससे हम लोगों का लगभग हर साल 2015-16 में अगर देखें, 14-15 से कंपेयर करें, 75 करोड़ की बढ़त, हर साल 75 से 80 करोड़ की बढ़त होती गई। प्लस लीकेजेस कंट्रोल किए म्यूनसिपल बॉडीज़ में, लोकल बॉडीज़ में लीकेजेस बहुत होते हैं जी, प्लीज टेल अस अबाउट इट। तो लीकेजेस अलग अलग तरह से रहते हैं, जैसे फर्जी एम्प्लॉयज़, उस तरह के लीकेजेस, मेनली फर्जी फाइल्स बनती हैं। अच्छा, फर्जी फाइल बनेंगी, उसका टेंडर होगा, उसका पूरा रिकॉर्डर होगा। उदाहरण दे सकें थोड़ा, हमें ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम समझ में आए कि हाँ। देखिए जैसे सीमेंट कंक्रीट का वर्क बहुत महंगा रहता है, फिर आपका सीवर लाइन से काम भी महंगा रहता है, पानी की लाइन भी अंदर रहती है, वो काम भी महंगा रहता है। सीवर लाइन्स में और पानी की लाइनों में वो ज़मीन के अंदर चली जाती हैं, दिखती नहीं है उसके बाद। सीमेंट कंक्रीट में ही बनती थी, तो सीमेंट कंक्रीट की कुछ पकड़ी थी हम लोगों ने फाइलें, जिसमें कि फाइल्स बनी 10 लाख करीब की थी, ये 2 साल पुरानी बात होगी, जिसमें सीमेंट कंक्रीट की भी थी, पेवर्स की भी थी, सीवर लाइन्स की भी थी फाइलें, से लगभग 20-25 फाइलें हम लोगों ने पकड़ी थी, जिसमें वर्क ऑर्डर हुआ सब प्रोसेस के बाद, काम भी दिखाया, शो किया, फोटोग्राफ्स भी लगाई गई उसमें पहले की और बाद की, फोटोग्राफ्स भी गलत फर्जी निकली वो, और उसमें बकायदा मेजरमेंट बुक रिकॉर्ड हुई,
और अकाउंट्स में मेजरमेंट बुक रिकॉर्ड हो करके अकाउंट्स बिल गया वेरीफाई होकर अकाउंट्स में पेमेंट्स हुए। ऐसे हमने पकड़ा था शुरू में ही, हमने 2015-16 की बात रही होगी फाइनेंशियल ईयर की, उसी समय पकड़ के कंसर्निंग जितने ऑफिसर्स थे जिन्होंने वेट सर्टिफाई किया था उसको, उनके खिलाफ़ हम लोगों ने धोखाधड़ी और 467-68 की FIR रजिस्टर करा दी थी। उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, जितने भी इस तरह के ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे इसको करने में, या जिस तरह बाहर के रिकॉर्ड इन्वॉल्व थे, या जो कुछ कॉर्पोरेटर्स का इन्वॉल्वमेंट भी कहीं कहीं आया था ऑफिसर्स के साथ में, तो ये सब सतर्क हो गए, ये करना बंद कर दिया इन्होंने। और फर्जी फाइलें जो AD फाइलें बोलते हैं, एडजस्टमेंट फाइलें बोलते हैं इसको, उसको भी उसको काफ़ी सख्ती से, उसमें 50 करोड़ करीब बचे होंगे हम लोग हर साल, 40-50 करोड़ का उसमें रहता है उसमें, तो 75-80 करोड़ की रेवेन्यू इनकम बढ़ी, 40-50 करोड़ के लीकेजेस बंद हुए हम लोगों के। और भी कई फ्रंट से जहाँ लीकेजेस हुए, जैसे जीरा गिट्टी बिछती है बरसात के समय में, जीरा गिट्टी जो रहती है या स्टोन डस्ट जो रहती है डाली जाती है, तो 15-15 करोड़ 20-20 करोड़ की बिलिंग हो रही थी पहले, जब हम लोगों ने सख्ती की कंट्रोल किया उसको, तो मात्र 1-1.5 करोड़ में सारे शहर में स्टोन डस्ट और जीरा गिट्टी की जितनी उपयुक्तता थी हो गई वो, तो उसमें जैसे 17-18 करोड़ बच गए अपने। ऐसे कंट्रोल नहीं करके 125 करोड़ 130-140 करोड़ हम लोग हर साल बचा रहे थे हम लोग। इस फंड को हम लोगों ने ट्रांसफर किया स्वच्छ भारत मिशन में, पूरा का पूरा। हाँ लगभग काफ़ी मैक्सिमम प्रायरिटीज इसी किया हम लोग, क्योंकि और भी जगह प्रायरिटीज रहती, मेयर की प्रायरिटी रहती है, पब्लिक की डिमांड रहती है, पर मैक्सिमम जितना मैं खींच सकता था मेयर खींच सकती थी, हम लोगों ने स्वच्छ भारत मिशन में डाला। 12-15 करोड़ हमको SBM हेड से मिले होंगे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट ने कंट्रीब्यूट रहता है, पर 150-200 करोड़ मैक्सिमम हमने नगर निगम से किया, कुछ स्मार्ट सिटी से भी लिया था हम लोगों ने। अच्छा। जो जो ट्रांसफर स्टेशन के जो बिल्डिंग के स्ट्रक्चर्स थे वो उसको स्मार्ट सिटी फंड से हम लोगों ने बनाया था, पर नगर निगम के खुद के फंड से 125 करोड़ का लगभग इन्वेस्टमेंट रहा होगा इसमें। जितनी डिमांड थी शहर की उस प्रकार से प्रॉपर्टी टैक्स भी वहीं से जनरेट हुआ, और वहीं से हम लोग सस्टेनेबिलिटी लाए, हम लोगों ने यूज़र चार्जेस लगाए, यूज़र चार्जेस कलेक्ट करना भी स्वच्छ इसमें स्वच्छता में बड़ा टफ काम रहता है, लोगों ने इनिशियली विरोध किया। कितना चार्ज था इनिशियली? हम लोगों ने 60 रुपये रेजिडेंशियल यूनिट से किया था पर मंथ, और 90 रुपये कमर्शियल के लिए किया था, बाद में बढ़ाया। दिन का 2 रुपये इसी बात पे, कि एक दिन का 2 रुपये आप दीजिए, पर जो सर्विसेज हम लोगों की इंप्रूव हुई तो लोगों का एक्सेप्टेंस बन गया उसमें, और लोगों ने देना शुरू कर दिया, अब उसको बढ़ा दिया गया है, और इनिशियली 60 रुपये 90 रुपये से किया था हम लोगों ने, तो उसका भी एक्सेप्टेंस पब्लिक में धीरे धीरे हो गया और पब्लिक ने देना शुरू कर दिया उसको। अमूमन जब भी हम इस तरह की चीज़ें देखते हैं तो एक चीज़ सामने आती है कि कई बार ब्यूरोक्रेट्स या अफसर काम करना चाहते हैं, सख्ती करना चाहते हैं, पर पॉलिटिकल प्रेशर आ जाता है। आपने फाइन किया, विधायक जी या पार्षद जी का मैसेज आ गया, आपने कोई एक्शन लेने की तैयारी की, तुरंत किसी मंत्री का फ़ोन आ गया, आपके ऊपर ऐसा पॉलिटिकल प्रेशर नहीं था इंदौर में काम करते वक्त? देखिए कोई भी काम अगर फील्ड में करेंगे प्रजातंत्र में, तो जब तक पॉलिटिकल लोगों का, जो चुने हुए पॉलिटिकल लोग हैं और मीडिया है, जब तक उनका सपोर्ट नहीं रहेगा फील्ड में काम नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि ये लोग भी अल्टीमेटली पब्लिक के सेंटीमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे कई इंस्टेंसेस आए जिसमें कि जैसे जब स्पॉट फाइन करना शुरू किया हम लोगों ने, तो रेत गिट्टी के जो व्यापारी थे एक जगह पे, वो रोड तक रेत गिट्टी बिछाते थे तो गंदगी हो रही थी उससे, तो उसको स्पॉट फाइन किया अपनी दुकानों को, तो उसमें रेजिस्टेंस आया, थोड़ा पॉलिटिकल रेजिस्टेंस भी आया इनिशियली, तो उससे पीछे हटे हम लोग। तो जहाँ ऐसा कोई लगता था हम लोग पॉलिटिकल रेजिस्टेंस, कोई MLA भी बोलेगा, कोई कॉर्पोरेटर भी बोलेगा, तो पब्लिक प्रेशर होगा तभी बोलेगा, तो हम लोगों ने शुरू में हेड ऑन कोलिजन कभी नहीं लिया हम लोगों ने, क्योंकि पहली बार चीज़ें हो रही थी, पहली बार सख्ती हो रही थी, इसलिए हम लोगों ने उसमें पीछे भी हटे हम लोग। अगर 100 जगह कार्रवाई करनी थी, 10 जगह पीछे हटना होता तो पीछे भी हटते थे हम लोग। इस प्रकार से धीरे धीरे करके समझाया लोगों को, फिर मीटिंग ली वहाँ जा करके, फील्ड मूवमेंट्स बहुत किए, मीटिंग्स अलग अलग जगह ली लोगों, जहाँ भी समस्या होती थी, या कि मैं सुबह चला जाता था या दूसरे किसी अधिकारी को भेजते थे, पब्लिक चर्चा करते थे हम लोग, अपने आप वो सॉल्यूशन निकल जाए, पब्लिक मानती थी कि हाँ हम करेंगे सब, पर ये इस तरह से गलत हो रहा है साहब ये, तो थोड़ा उसको हल्का सा रीफेस्टिंग करके और फिर हम लोग इम्प्लीमेंट करते थे चीज़ों को, तो चर्चा करके सारी चीज़ें हुई। ऐसा मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा नहीं रहा होगा जिसमें कि पॉलिटिकल लोगों ने फाइल नहीं रोका हो हमको, अगर पर किसी विधायक ने बोला तो हम लोग रुक जाते थे उस समय, और करना होता था फिर उसको कन्विंस करते थे, पब्लिक को जाके कन्विंस करते थे, फिर करते थे कार्रवाई, ताकि रेजिस्टेंस खत्म हो जाता तो विधायक भी कन्विंस हो जाते थे उसमें। पॉलिटिकल लोगों का पूरा सम्मान रखा और मीडिया ने बहुत सपोर्ट किया, हर चीज़ हम लोग मीडिया को इन्वॉल्व करते थे, मीडिया को लेके जाते थे कई जगह, मीडिया ब्रीफिंग्स होती थी हम लोगों की तरफ से, तो मीडिया ने भी पब्लिक को बतलाने में कि नगर निगम क्या करना चाह रहा है, क्या प्लानिंग चल रही है, कैसे हम वेस्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं, कैसे ट्रेंचिंग ग्राउंड इंप्रूव हो रही है, कैसे हम लोगों की रोड स्वीपिंग मशीन रात में डस्ट लेवल कम कर दिया है शहर का, तो मीडिया के माध्यम से पब्लिक को बातें गई बहुत सारी, पब्लिक भी धीरे धीरे अवेयरनेस आई उसमें। और एक जो आप लोगों की टीम थी, एक जो आदर्श टीम हो सकती है किसी भी शहर के लिए, मालनी सिंह गौड़ मेयर और मनीष सिंह कमिश्नर, उनकी तरफ से, क्योंकि वो तो कॉरपोरेटर्स की मुखिया हैं, तो वो सड़क नाली सफाई सबसे ज़्यादा दबाव तो उन्हीं के ऊपर रहता है,
कई जगह अतिक्रमण भी हटे, वो बड़ा एक चुनावी मुद्दा भी बना हुआ है इंदौर में। नहीं, ये बिल्कुल सही है आपने बोला। मेयर हमारी बड़ी फर्म टाइप की लेडी हैं, डिसीजन मेकर हैं एक्चुअली वो। तो डिसीजन मेकिंग जब भी हम लोग करते थे, जो भी हम लोगों ने किया उनसे पूछ के अनुमति लेके किया, उन कॉन्फिडेंस में लेके किया। जहाँ ऐसे इश्यूज रहते थे कि पर्टिकुलर कुछ लोगों को उनको कन्विंस करना है, फिर वो बुला लेती थी उन लोगों को अपने लेवल पे। कॉर्पोरेटर्स को बुला लिया, किसी एमएलए से बात करनी है तो बात कर ली उन्होंने, या एमएलए उनसे मिलने आ गए, या वो खुद भी एमएलए हैं हमारी मेयर, या वो मिलने चली गई। तो इस प्रकार से पूरा पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन से उन्होंने काम किया। पर जो सही चीज़ थी, जो पब्लिक के हित में थी, अगर एमएलए कन्विंस नहीं भी हो रहे हैं या कॉर्पोरेटर्स कन्विंस नहीं भी हो रहे हैं, तो भी मैंने उनको देखा कि जो सही चीज़ थी उन्होंने बोला कि नहीं अपने को ये करना है, और हम लोगों ने वो किया। राजनीतिक नफा नुकसान की परवाह, बिना राजनीतिक दबाव के, राजनीतिक दबाव को कोई माना नहीं उन्होंने। पर चूंकि हम लोग जो काम कर रहे थे वो जनता के हित में था, जनता के फायदे के लिए था, एंड ऑफ द डे जब काम हो जाता था, जैसे रोड वाइडनिंग की हम लोगों ने इनिशियल समय, डिमोलिशन के समय बहुत पब्लिक रेजिस्टेंस हुआ, पर जब हम लोगों ने रोड बना दी, एक एक किलोमीटर में 25-25 करोड़ रुपए लगे, सीमेंट कंक्रीट के, पूरा अंडरग्राउंड डक्टिंग की हम लोगों ने, सारी सीवर लाइंस, वाटर सप्लाई, पूरी स्ट्रीट लाइट सब हम लोग अंदर लेके चले गए, तो उसके पब्लिक बहुत खुश हुई, वहीं पे उनका स्वागत भी हुआ बाद में। तो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर थी हमारी मेयर जो थी, तो उसका बहुत, उनकी वजह, उनके बगैर तो हो नहीं सकता था काम ये। अगर मेयर इतना स्ट्रांगली म्यूनसिपल कमीशन को सपोर्ट नहीं करें, तो हर लेवल पे जाती थी वो, हर लेवल ब्रीफिंग करती थी, सीएम को ब्रीफ करती थी वो, तो हर लेवल पे पॉलिटिकल सेटअप पे भी वो ब्रीफ करके रखती थी सबको कि हम लोग ये करने वाले हैं, इस पे ये विरोध आएगा, आप तक बातें आएंगी। तो ये बड़ा अच्छा उनका मैनेजमेंट था पूरा। ये शिवराज सिंह चौहान ने भी मतलब काफ़ी उसमें पॉलिटिकल विल पावर दिखाई इंदौर के केस में। हाँ, सीएम साहब ने पूरा सपोर्ट किया, जो भी हम लोगों ने सही काम किया, अगर रेसिडेंस होता भी था कहीं, तो वो भी, उनका भी हमेशा मेयर को सपोर्ट रहता था। मैं ये तो नहीं बोलूँगा मुझे रहता था, पर हाँ मेयर को पूरा सपोर्ट रहता था। एक आपकी भोपाल में तैनाती रही, मैं पढ़ रहा था उस बारे में कि जब भोपाल से फिर आप ट्रांसफ़र किए गए तो निगम के कर्मचारी और निगम के नेता दोनों ही दुखी थे। उज्जैन आए तो भी पता चला कि बहुत सारा आपने इंक्रोचमेंट हटाया है, लेकिन मनीष सिंह का एक परिचय ये भी होता है कि इनकी जब कहीं तैनाती होती है तो वहाँ के नेता विरोध करने लगते हैं कि इस अधिकारी को यहाँ मत भेजो। नेता क्यों डरते हैं आपकी तैनाती से? नहीं, ऐसा नहीं है एक्चुअली। जो भी जैसे इंदौर में किया हम लोगों ने, या जो म्यूनसिपल कमिश्नर का रोल मेरा भोपाल में जो भी किया, हमेशा पॉलिटिकली लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके किया। पर चूंकि जब एक बड़ा कोई ऑपरेशन होता है शहर में, तो कुछ को तकलीफ ज़रूर होती है उसमें। उस भय से कई बार लोगों को लगता है, उज्जैन जब पोस्टिंग मिली थी तो ऐसी बातें अखबारों में आई थी जी, मैंने कंफर्म नहीं किया, पर ऐसी बातें आई थी जो आप बोल रहे हैं अब। पर आपको दिक्कत नहीं है, सारे जो पॉलिटिकल लोग हैं, चाहे एमएलएज हों चाहे सांसद, सब सेटिस्फाइड हैं पूरा। किसी भी जनप्रतिनिधि के जो सही काम होते हैं, अगर कम से कम समय में हो जाए वो, और थोड़ा उनकी मजबूरी समझनी पड़ती है हम लोगों को कि एक पॉलिटिकल आदमी पब्लिक प्रेशर को समझना पड़ता है। अगर हम लोग कोई फील्ड में सही काम भी कर रहे हैं, पर अगर उसको लेकर के उस पॉलिटिकल आदमी के पास में जनता का विरोध जा रहा है, तो हम लोग को रुक के करना चाहिए, काम कन्विंस करके करना चाहिए, उनको भी, पॉलिटिकल लोगों को भी, पब्लिक को भी। तो वो अगर टैक्टिक्स अपना ही जाए मेरे ख्याल से, तो पॉलिटिशियन भी सपोर्ट करेंगे, और चूंकि पब्लिक के हित में काम हो रहा है तो मीडिया भी सपोर्ट करेगी उसको। चलिए, ये तो ब्यूरोक्रेट मनीष सिंह की कहानी है। उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई, आप कहाँ के रहने वाले हैं, स्कूली शिक्षा वगैरह? देखिए, मैं रहने वाला मूलतः रीवा का हूँ, रीवा इलाहाबाद रोड पे गांव है, बनगांव उसके पास का हूँ। अधिकांश पढ़ाई मेरी भोपाल में हुई, पूरी पढ़ाई बीटेक वगैरह किया, बीए किया, और मैंने इंजीनियरिंग की, सिविल इंजीनियरिंग में, मैनिट जो भोपाल में है, अब पहले एमएससीटी बोलते थे उसको, वहाँ से की। फिर रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज से मैंने 2 सेमेस्टर किए मैंने स्ट्रक्चर्स में, क्योंकि यूपीएससी एग्ज़ाम और पीएससी एग्ज़ाम दे रहा था मैं, तो मैंने 3rd सेमेस्टर नहीं दिया था, 2 सेमेस्टर पूरे किए थे मैंने वहाँ पर, और यूपीएससी दिया, उसमें मेरी क्लास 1 सर्विसेज जो रहती, ग्रुप ए सर्विसेज रहती हैं, उसमें फाइनल सिलेक्शन 3rd अटेम्प्ट में हुआ। उसी साल मेरा यहाँ पीएससी में भी हो गया था, तो मैंने फिर ये ज्वाइन कर लिया, एसएएस ज्वाइन की, 93 ज्वाइन की थी मैंने। और पिछले साल मुझे आईएएस अवार्ड हुआ, तो 2009 बैच मिला है मुझे। और इस दौरान मैं म्यूनसिपल कमिश्नर भोपाल रहा, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में एक औद्योगिक केंद्र विकास निगम में, उसमें भोपाल और इंदौर में अलग अलग समय में एमडी भी रहा हूँ मैं, टेक्सटबुक कॉर्पोरेशन में रहा, तो अलग अलग फील्ड्स का फिर एक्सपीरियंस रहा उसमें। मंडी में पोस्टेड रहा, इंदौर मंडी में, इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी में पोस्टेड रहा हूँ मैं, और फाइनली इसके यहाँ आने के पहले मैं म्यूनसिपल कमिश्नर इंदौर था। कई लोग खासतौर पर यूपी बिहार में तो एक बहुत बड़ा सपना होता है कलेक्टर, लाल बत्ती, वो लोग जो तैयारी करना चाहते हैं, बड़े सारे ख्वाब लेके प्रशासनिक सेवा में आना चाहते हैं, उनको क्या सलाह देंगे मनीष? देखिए, बहुत अच्छी सर्विसेज हैं पब्लिक के लिए, पब्लिक के बीच में रह के कुछ काम करना है और रियल सेंस में पब्लिक को रिलीफ देनी है, तो ये प्लेटफॉर्म्स बहुत अच्छे हैं। पर बात ये भी आती है कि केवल आईएएस आईपीएस बन जाने से कुछ नहीं होता है, जैसे अभी मैं भी देख रहा हूँ, आप लोग भी देख रहे होंगे,
आपको जनता के बीच में रहकर काम करना पड़ेगा और निर्णय लेना पड़ेगा। तो पहला तो ये हो गया, अगर आप चयन होकर आ रहे हैं तो उसके पहले से आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा, अगर आप प्रयास कर रहे हैं आईएएस आईपीएस के लिए, कि आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे पब्लिक के बीच में और आपको निर्णय लेना पड़ेगा और पब्लिक के बीच में पब्लिक के मान से काम करना पड़ेगा। जहाँ तक तैयारी करने की बात है तो मेहनत बहुत है इसमें। अब थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है, हम लोगों के समझ से पैटर्न चेंज हुआ है, कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में काफ़ी पैटर्न चेंज हो चुका है, कई सारी अन्य सब्जेक्ट्स मेंटल एबिलिटी वगैरह ऐड हुए हैं उसमें, थोड़ा भाग भी रहता है उसमें, मेहनत भी है भाग भी है। तो जब भी कोई मेहनत करे पढ़ाई करे तो थोड़ा जो भी धार्मिक जिसको भी धर्म में मानता है वो जरूर उसके साथ धार्मिक ओरिएंटेशन जरूर रहना चाहिए उसका, भगवान की पूजा करे मन शांत रहेगा उससे और कंसंट्रेशन अच्छा लगेगा पढ़ाई में, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस रहता है, इतना वास्ट रहता है इन एग्जामिनेशन का सिलेबस कि आप जब तक उसको सही तरीके से समझ नहीं रहे हैं अंदर से, उस पूरे चीज़ों को समझ के ही एग्ज़ाम में आदमी पेपर दे सकता है। केवल आप सोचेंगे कुछ कंटेस्ट करके या कुछ घोट पीट के कोई एग्ज़ाम दे लेगा, उस तरह का एग्ज़ाम सिस्टम नहीं है। और ये भी मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए, अगर हम बन जाएंगे तो हमें फिर किस तरह से काम करना है फील्ड में। कई लोग बन भी जाते हैं फिर भी कुछ को फ़ायदा नहीं होता है, ये भी समझना चाहिए लोगों को। अगर आप केवल मात्र बन भी गए, अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप में बोल्डनेस नहीं है, आप पब्लिक के बीच में रह के काम नहीं कर पा रहे हो, फेस नहीं कर पा रहे हो पब्लिक, या आप मध्य प्रदेश के जोशी दंपति जैसी खबरें बना रहे हो। अब वो किसी पर्टिकुलर को नहीं कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं, मैं बता रहा ना कि मतलब आपके जैसे अफसर भी हैं फिर उनके जैसे अफसर भी हैं, दोनों ही चीज़ें हैं। अब मैं किसी अधिकारी का नहीं कर रहा हूँ, जनरल एक बात कर रहा हूँ, क्योंकि किसी भी कैडर में आप देखेंगे, चाहे डिप्टी कलेक्टर कैडर में हो, चाहे डीएसपी में हो, चाहे आईपीएस में आईएएस में हो, वही परफॉर्म कर पा रहा है, वैल्यू उसी की है, उसी का पब्लिक एक्सेप्टेंस है जो पब्लिक बीच में रह के काम कर रहा है, डिसीजन ले रहा है पब्लिक के हित में, पब्लिक की केमिस्ट्री को। अब धीरे धीरे फील्ड में काम करना टफ हो रहा है, जो हम लोग 93 में काम करते थे आज जो देखे तो काफ़ी परिवर्तन आया है। पब्लिक के हिसाब से काम करना पड़ेगा, लोगों को पब्लिक को सुनना पड़ेगा, समझा के करने पड़ेगा। ऐसा कोई काम इम्पोज करने का प्रयास करें जिसमें पब्लिक का रेजिस्टेंस है और वो सही भी नहीं है, वो काम नहीं हो सकता फील्ड में, बहुत विरोध होगा। बहुत की लर्निंग है। देश में इंदौर मॉडल कैसे रेप्लिकेट हो सकता है? देखिए करीबन 300-325 सिटीज़ ने इंदौर के मॉडल को देखा है। जो इंदौर का कलेक्शन सिस्टम हम लोगों ने किया है, एक तो हम लोगों ने आउटसोर्सिंग में बहुत नहीं गए, हम लोग की आउटसोर्सिंग केवल नाइट स्वीपिंग के लिए है, मशीनों की है, क्योंकि मशीनें बहुत महंगी हैं, वो 3-3 करोड़ 2.5 करोड़ की मशीनें, तो उसको खरीदना संभव नहीं था, मेंटेनेंस भी हम लोग नहीं कर पाते, तो सारी मशीनें आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से ली है। बाकी सारा काम हम लोगों ने खुद संभाला है, कोई हमारे आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं है, डोर टू डोर कलेक्शन के आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्टर लेबर को लेकर के नहीं है, गाड़ियाँ आउटसोर्स नहीं है, गाड़ियाँ भी खुद की हैं हमारी, रेंटल व्हीकल्स जो भी चल रही थी, जेसीबी डंपर्स चल रहे थे, वो भी हम लोगों ने सब बंद करके सब खुद के खरीदे। तो इंदौर मॉडल में यूनिकनेस ये है कि एक तो खुद कॉरपोरेशन के लोगों ने संभाला पूरा, क्योंकि ये ज़्यादातर हो जाते हैं जो आउटसोर्स कर दो जी, टंटा खत्म हो। तो अभी जो एक फैशन चल रहा है कि इसको आप आउटसोर्स कर लीजिए, व्हीकल्स आउटसोर्स करके ले लीजिए, स्टाफ आउटसोर्स करके ले लीजिए, आप डोर टू डोर कलेक्शन आउटसोर्स करके दे दीजिए, इसमें लीकेजेस ज़्यादा हो रहे हैं, बदमाशियाँ ज़्यादा हो रही हैं अभी। तो जो खुद का फोर्स रहता है किसी भी कॉरपोरेशन का, उसके जब उसके सफाई कर्मचारी, उसके दरोगा, उसके सैनिटरी इंस्पेक्टर जब काम करते हैं फील्ड में, उनको मोटिवेट कर दिया जाए और उनको अगर ट्रेनिंग दे दी जाए तो उनकी थोड़ा फीलिंग ऑफ ओनरशिप आ जाए अपने सिस्टम के प्रति, तो वो जो कमाल कर सकते हैं वो आउटसोर्स एजेंसी कभी नहीं कर सकती है। तो एक तो ये चीज़ लोगों ने देखी है, समझी है कई लोगों ने, और आउटसोर्सिंग का जो हम लोग क्या समझ के गए हैं वो ये मन बना के गए हैं कि आउटसोर्सिंग हम लोग नहीं करेंगे। दूसरा थोड़ा सब सिस्टम को साथ लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा जन अभियान है, ये पब्लिक से मिलना जाना, म्यूनसिपल कमीशन को जाके मिलना चाहिए, मेयर बहुत एक्टिव रोल लेना चाहिए मेयर का, अधिकारी को जाना चाहिए पब्लिक के बीच में, तो एक जनता से मिल के पॉलिटिकल सर्कल को कॉन्फिडेंस में लेके उनको ब्रीफ करके, हम लोग जाते थे विधायकों के पास में, कोई अगर कोई एनक्रोचमेंट रिमूवल करना है सफाई को लेकर के, हम लोग जाके कन्विंस करते थे उनको कि ये रीज़न है हमारा करने का, और कन्विंस होते थे लोग उसको, क्योंकि एनक्रोचमेंट रिमूवल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्वच्छ भारत मिशन का। एनक्रोचमेंट रिमूवल, लेफ्ट टर्न डेवलपमेंट, रोड का पेविंग प्रॉपर रहे, आपके जो साइड में डस्ट क्रिएट कर रहे हैं एजेस, उनको आप पेवर्स लगा दीजिए, डस्ट कैप्चर हो जाए वहाँ पर, फुटपाथ ठीक रहे, बैकलेस रहे, तो बहुत सारे अन्य चीज़, पानी साफ आए, अगर किसी घर में गंदा पानी आ रहा है जो कॉमन शिकायतें रहती हैं अर्बन लोकल बॉडीज़ और अर्बन सिटीज़ में, आप कितनी भी सफाई शहर में कर देंगे उसको कभी सफाई की फीलिंग नहीं आएगी उसको, उसके सामने चैम्बर गंदे सीवर का चैम्बर अगर ख़राब पड़ा है, लीक कर रहा है, तो कभी भी वो सफाई की तारीफ़ नहीं करेगा आपकी, गंदा पानी अगर उसके घर के सामने जा रहा है सीवर का। तो हम लोगों ने वाटर सप्लाई पे, लाइन्स पे, सीवर लाइंस पे, सीवर चैम्बर से भी बहुत काम किया है सिटी में, इसके SBM स्वच्छ भारत मिशन के साथ साथ, एक वातावरण दिया लोगों को कि अगर साफ़ सफाई में म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अच्छे से टैकल हो रहा है तो पानी भी साफ़ आएगा आपके घर में, सीवर लाइंस ओवरफ्लो नहीं करेंगे, कहीं आप सड़क पर जाएंगे कुछ चैम्बर ओवरफ्लो करते नहीं दिखेगा, आपकी कॉलोनी में कोई सीवर ओवरफ्लो नहीं करते दिखेगा आपको, करेगा भी तो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म हम लोगों का था, इंदौर 3 डेवलपमेंट ऐप है,
बड़ा फास्ट था। इस तरह की सुविधाओं के लिए अगर आपने डॉट पे बोलो ऐप पे अगर आपने शिकायत लॉन्च की आपने फोटो डाल करके यहाँ लीकेज हो रही यहाँ विद इन 24 आवर सॉल्व होती थी वो, तो लोगों को उससे बहुत अवेयरनेस आई कि अगर हमें कोई शिकायत है केवल एक ऐप में हम अपनी शिकायत कंप्लेंट डिटेल कर रहे हैं और विद इन 24 कुछ घंटों में लोग आके ठीक कर रहे हैं उसको, तो वो सिस्टम में रखा उसको बैकअप हम लोगों ने काफ़ी मॉनिटरिंग की, मेयर ने मॉनिटरिंग की, हमने मॉनिटरिंग की, अन्य अधिकारियों ने मॉनिटरिंग की, तो ओवरऑल फिर एक टीम बन गई थी पूरी 16,000 का स्टाफ है वहाँ पर, क्योंकि गार्डन्स ठीक किए हम लोगों ने बहुत, गार्डन्स की जो ख़राब हालत थी उसको काफ़ी इम्प्रूव किया, जो कंपोस्टिंग से खाद बन रही थी हमारी इतनी रिच थी खाद वो कि यूरिया जैसे उसका इफेक्ट था, अगर गार्डन्स में डाल दीजिए तो यूरिया की डालने के बाद जो स्पीड से घास बढ़ती थी उसी स्पीड से वो हमारी जो कंपोस्ट खाद थी उससे बढ़ रही थी, तो इससे हम लोगों ने गार्डन्स बहुत इम्प्रूव कर दिए, तो बहुत फ्रेंड्स में एक साथ काम किया, इंक्रोचमेंट रिमूवल हो गया, एक पशु आवारा पशु का बहुत बड़ा सब्जेक्ट था वहाँ पर, अवैध होर्डिंग का बहुत बड़ा सब्जेक्ट था, 2500 अवैध होर्डिंग थे, अगर आप जाएंगे तो अवैध होर्डिंग नहीं दिखेंगे आपको इंदौर में, आवारा पशु में बहुत सख्ती की, सब अधिकांश एंटी सोशल एलिमेंट्स से उनके बाड़े उनके मकान तोड़े इलीगल कंस्ट्रक्शन तोड़े तो अपने आप सब पशु को बाहर ले गए, वो सख्ती करनी पड़ी थोड़ा और विरोध भी हुआ थोड़ा उसका, पर कॉन्फिडेंस पहले ही कॉन्फिडेंस लेने में बहुत मेहनत करी हम लोगों ने, कि पॉलिटिकल लोगों को कॉन्फिडेंस में रखा, मीडिया को कन्विंस किया, क्योंकि अगर आप पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को कॉन्फिडेंस में रखा हम लोगों ने, उन्होंने भी पूरा सपोर्ट किया, तो कुछ स्तंभ रहते हैं लोकल बॉडी में जब कोई काम करता है, अगर आपको पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट ना मिले या आपको पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं मिले या आपको मीडिया अगेंस्ट में हो जाए, तीनों में से कोई भी एक अगेंस्ट में हो गए, और चौथा महत्वपूर्ण रहता है जुडिशरी वाला पार्ट, अगर पिटीशन लगी है तो आपके एडवोकेट सतर्क होने चाहिए कि इमीडिएट आप जवाब बनाइए और उसको स्ट्रांगली फाइट करिए कोर्ट में, तो स्टे मिल जाएगा उसमें, तो चारों फील्ड में जब तक लोकल बॉडी का एक सीईओ जो है जो म्युनिसिपल कमिश्नर रहता है चारों फ्रेंड्स को एक साथ नहीं मैनेज करेगा तब तक फील्ड में कोई बड़ा काम नहीं हो सकता, हम लोगों ने चारों फ्रेंड्स को मैनेज किया, हम लोगों ने सतर्क रहे कॉशियस रहे हम लोग, और ये प्रयास किया कि हम लोग जो काम कर रहे हैं उससे सब कन्विंस हों उससे, अगर कोई चीज़ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं अगर अवैध ठेले भी हटा रहे हैं उसे PI लगती है कोई हाई कोर्ट में, तो अच्छे एडवोकेट्स जो हमारे पैनल में अच्छे एडवोकेट्स उनको लगाया जवाब अच्छा फाइल किया और सतर्कता से उसको डिफेंड किया ताकि कोर्ट भी कन्विंस हो कि नहीं हम शहर के हित में काम कर रहे हैं, और कोर्ट्स कन्विंस हुई और मेरे ख्याल से सारे आदेश हम लोग के फेवर में आए हैं हाई कोर्ट में, लगभग 800-900 पिटीशंस लगी होंगी हमारे 3 साल के पीरियड में जिसमें मेजर वर्क्स हम लोगों ने कवर किए थे, चाहे आवारा पशु के पशुपालकों के इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ने को लेकर हो, चाहे अवैध होर्डिंग को लेकर हो, चाहे रोड वाइडनिंग को लेकर हो, चाहे ठेला अभियान में हो, चाहे गुमटी हटाने को लेकर के हो, हर चीज़ में लेफ्ट टर्न्स बनाने में इंक्रोचमेंट रिमूवल की उसमें हो, सब में हम लोगों ने स्ट्रांगली डिफेंड किया, जुडिशरी से सारे ऑर्डर्स हम लोगों के फेवर में हुए, तो बेसिकली कन्विंस करना आना चाहिए, अब कन्विंस करना पड़ेगा सबको। सख्ती और संवाद, ये दो लर्निंग्स हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और ये हमारे लिए बड़ी आश्वस्त की बात है कि ब्यूरोक्रेसी में आपके जैसे लोग भी हैं जो सिर्फ सख्ती पर कायम नहीं है, वो पब्लिक को भी समझ रहे हैं और संवाद की ज़रूरत पर भी जोर दे रहे हैं और सबको साथ लेकर चल रहे हैं, और मुझे लगता है कि देश ऐसे ही लोगों के प्रयासों से और उनके प्रयासों से जुड़कर स्वच्छ बन सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष जी, आपने ये कहानी ये अनुभव हमारे साथ शेयर किया। आप देख रहे हैं dlalantop.com। शुक्रिया।